आपको अभी नजर आएंगे स्क्रीन पर। और ये देखिए, हमने बिना देर किए हुए आपको वो सारे नाम एक एक करके दिखाने शुरू कर दिए हैं जो कि जूनियर आर्ट्स कैटेगरी में आते हैं। पहला स्थान सौम्या जोशी को मिला है, इनकी उम्र 15 साल की है, गाजियाबाद की सौम्या रहने वाली है। और ईश्वर राज जोशी इनके पेरेंट्स का नाम है। आर्ट कंपटीशन सीनियर में इन्होंने अपना पहला स्थान प्राप्त किया है। सौम्या, आपको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेस स्टाफ को, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से इस स्थान को प्राप्त किया है। आपकी जो आकृति है वो देखिए हम दिखा रहे हैं, जो आपने समझाने की कोशिश की है। लेकिन अब इसी बीच देखिए जो दूसरा नाम है वो हम अनाउंस कर देते हैं। नेहा कलानी का नाम है, उम्र इनकी 12 साल की है, लखनऊ की रहने वाली है नेहा। और वासुदेव कलानी इनके पेरेंट्स का नाम है। दूसरा स्थान नेहा कलानी ने पाया है आर्ट्स कंपटीशन सीनियर कैटेगरी में। नेहा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। नेहा, बहुत बहुत बधाई आपको भी भारत समाचार की तरफ से भी, आपने इस सुनहरे अवसर का फायदा उठाया। और जो आप चित्र दिखा रही है, एक गांव का चित्र जो उन्होंने उकेरा है अपनी इस प्रतिभा के माध्यम से पन्नों पर, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेकिन अब जो तीसरा स्थान प्राप्त किया है दिव्या कृपलानी ने, उनके बारे में जरा आप जान लीजिए। दिव्या की जो उम्र है वो 15 साल की है, दिव्या लखनऊ की रहने वाली है। पुरुषोत्तम कृपलानी पेरेंट्स हैं दिव्या के, जो कि तीसरा स्थान पा चुके हैं। दिव्या, बहुत बहुत बधाई आपको भी, क्योंकि आपने भी अब अपना हुनर दिखा के इस प्राइस को अपने नाम कर लिया है, अपना तीसरा स्थान आपने पाया है। दिव्या कृपलानी, बहुत बहुत कांग्रेस आपको भी। अब सांत्वना पुरस्कार जो देखिए सीनियर कैटेगरी में लोगों को मिला है, उनके नाम हम आपको बता देते हैं। सुयश सचान है, इनकी उम्र 14 साल की है और सुयश कानपुर के रहने वाले हैं। राकेश सचान इनके फादर का नाम है, इनके पेरेंट्स का नाम सुयश, जो कि सांत्वना पुरस्कार जीत चुके हैं, इनकी उम्र 14 साल की है। इन्होंने किस तरीके से अपनी कला को हमें दिखाया है कंपटीशन के माध्यम से, क्योंकि घर बैठे देखिए लॉकडाउन में आप बोर होते रहते हैं, और ऐसे में आपके पास ये सुनहरा अवसर भारत समाचार लेके आया था जिसका आपने भरपूर सदुपयोग किया है। लेकिन आगे बढ़े बिना देर किए हुए, क्योंकि अगला नाम भी देखिए स्क्रीन पर फ्लैश हो गया है। पायल देवी नाम है इनका, 15 साल की इनकी उम्र है, कौशाम्बी की रहने वाली है पायल, और इनके पेरेंट्स का नाम शिव शरण साहू है। सांत्वना पुरस्कार। और देखिए ये प्यारी सी बच्ची जो पायल, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इनके फादर का नाम शिवशरण साहू है, जो कि खुश होंगे इस वक्त क्योंकि सौम्या ने यहाँ पर इस पुरस्कार को अपने नाम कर लिया है। तो शिवशरण साहू जी, आपको भी देखिए बहुत बहुत बधाई, आपकी बेटी पायल ने इतनी छोटी उम्र में ही ये पुरस्कार अपने नाम किया है। अगला नाम जो है वो है चैताली पांडे का। चैताली पांडे 14 साल की है और चैताली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। थाने महाराष्ट्र से ये बिलोंग करती हैं। प्रभात पांडे चैताली के फादर का नाम है। तो सांत्वना पुरस्कार चैताली पांडे ने भी अब जीता है। चैताली भी इस वक्त देखिए बहुत खुशी हो रही। चैताली, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेट्स आपको। और सांत्वना पुरस्कार, जिसमें अगला नाम जो है वो है वरालिका चौधरी का। वरालिका चौधरी की जो उम्र है वो 13 साल की है, लखनऊ की रहने वाली है, और रुचि चौधरी इनके पेरेंट्स का नाम है। तो सांत्वना पुरस्कार आर्ट कंपटीशन सीनियर में वरालिका ने जीता है। वरालिका, बहुत बहुत बधाई आपको, आप इस पुरस्कार के हकदार भी हैं, क्योंकि जितनी आपने मेहनत की है इस लॉकडाउन का, जिस तरीके से आपने प्रयोग किया है ना अपनी कला को दिखाने के लिए, उसका नतीजा यही है कि आपको सांत्वना पुरस्कार आज मिलता है। देखिए, यूपी के शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे और हमारे यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आज हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बच्चों से वो कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं, क्या कुछ वो आज कह रहे हैं। रिजल्ट भी देखिए हम अनाउंस कर रहे हैं, और इन्हीं रिजल्ट के अनाउंस होने के बाद दिनेश शर्मा जी इन बच्चों से बात करना चाह रहे हैं। क्या कहना है उनका, जरा वो हम सुन लेते हैं। दिनेश शर्मा जी, क्या कहना चाहते हैं आप?